Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 27th August 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of July 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. this is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper and the first article is taken from editorial segment it is about charge sheet filed in pulwama case and this topic is important from our syllabus india and its neighborhood relations that is part of our paper 3 सबसे पहले इस आर्टिकल का देखो बैकग्राउंड समझते हैं आप सबको तो एक बात तो पता ही है कि लास्ट ईयर ऑन 14 फरवरी there was a terrorist attack in Pulwama district of Jammu and Kashmir and in this terrorist attack 14 CRPF personnel were died martyred to is terrorist attack के बाद हमारे देश की एजेंसी National Investigation Agency ने investigation करना शुरू किया और लगभग डेढ़ सालों की investigation के बाद अब NIA ने चार्जशीट फाइल कर दी है आपको पता है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही चार्जशीट फाइल करती है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी चाहे वो पुलिस हो सीआईडी हो सीबीआई हो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट फाइल किया जाता है इन द कोर्ट तो डेढ़ साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद एन ने अब चार्जशीट फाइल किया है एनआईए के बारे में भी ब्रीफली समझ लेते हैं यह सेंट्रल लेवल की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है दैट वाज क्रिएटेड आफ्टर 2008 मुंबई टेरर अटैक दिस एजेंसी एन हैज बीन मेनली क्रिएटेड इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द केसेस रिलेटेड टू टेररिज्म सो अब जरा देखते हैं वॉट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंशन इन द चार्जशीट आखिर चार चार्जशीट में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं सबसे पहली बात बताई गई है दैट द अटैक वॉज प्लान एंड कंडक्टेड बाई जैसे मोहम्मद जैसे मोहम्मद इज अ टेररिस्ट ग्रुप दैट ऑपरेट्स फ्राम पाकिस्तान और 19 लोगों का नाम इसमें डाला गया है अंडर चार्ज शीट हु हैव बीन एक्यूज फॉर दिस टेररिस्ट अटैक एंड ऑल दिस 19 पीपल बिलोंग टू दिस टेररिस्ट ग्रुप जैसे मोहम्मद जैसे मोहम्मद का जो हेड है जो चीफ है वो है मसूद अजहर और इस मसूद अजहर ने ही इस टेररिस्ट अटैक को पूरे की तरह से प्लान किया है और कोऑर्डिनेट किया है इनफैक्ट नेफियो ऑफ मसूद अजहर जिसका नाम था मोहम्मद उमर फारूक उसको कश्मीर भेजा गया और उसने ये पूरी की पूरी बॉम्बिंग एग्जीक्यूट कराई है कश्मीर के अंदर ये मोहम्मद उमर फारूक का कहीं से एन आई ए को आइडेंटिटी कार्ड मिला है तो उसको आज के न्यूज़ पेपर में शेयर किया गया है और मोहम्मद उमर फारूक हैज़ बिन द मेन हु हैज कंडक्टेड दिस टेररिस्ट स्ट्राइक ऑन ग्राउंड जबकि उसका मास्टर माइंड है मसूद अजहर हु इज चीफ ऑफ जैसे मोहम्मद दैट इज़ अ टेरोरिस्ट ग्रुप दैट ऑपरेट्स फ्राम पाकिस्तान अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है इन दिस चार्ज शीट दैट मोर टेरिस्ट अटैक्स वेयर प्लान तो आफ्टर दिस पुलवामा ये टेरिस्ट लोग इनके प्लान में और भी ज़्यादा टेरिस्ट अटैक करना था सो टू और थ्री मोर टेरिस्ट अटैक्स वेयर प्लान इन अदर सिटीज़ ऑफ इंडिया लेकिन जैसे ही ये पुलवामा अटैक हुआ तुरंत भारत सरकार ने स्विफ्ट एक्शन लिया एंड ए प्री एमटिव स्ट्राइक कंडक्टेड इन बालाकोट आपको तो पता ही है कि जैसे ही ये पुलवामा टेररिस्ट अटैक हुआ हमारे देश के ऊपर उसके दो तीन दिनों बाद ही भारत सरकार ने रिस्पॉन्ड किया और बालाकोट और आसपास के एरिया में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एरिया है जहाँ से टेररिस्ट लोग ऑपरेट करते हैं उस एरिया में हमारी इंडियन एयर फोर्स ने सर्जिकल स्ट्राइक किया लेकिन अब एक टर्म आप देखो एक नया टर्म यहाँ पर दिया गया है इस चार्जशीट में प्री एमटिव स्ट्राइक तो आप इसी टर्म का करोगे आप सर्जिकल स्ट्राइक नहीं लिखोगे आप प्री एमटिव स्ट्राइक लिखोगे अब प्री एमटिव स्ट्राइक वॉज कंडक्टेड इन बालाकोट एंड सराउंडिंग एरिया इन पीओके रीजन प्री एमटिव स्ट्राइक का मतलब होता है कोई अगर मान लो टेररिस्ट ग्रुप है और अगर वो आपके ऊपर या हमारे ऊपर अटैक करने का प्लान कर रहा है तो उसके पहले कि वो टेररिस्ट ग्रुप हमारे ऊपर अटैक करे हम उसके ऊपर अटैक करके उसके प्लान को जब डिफ्यूज़ कर देते हैं तो, तो दैट इज़ नोन एज प्री एम स्ट्राइक सो यूज़ दिस टर्म व्हाट दिस एन आई ए इन चार्ज इज सेंग कि दीज टेरिस्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम बालाकोट एरिया दे वी आर प्लानिंग मोर स्ट्राइक्स इन इंडिया एंड दैट इज़ वाई इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड ए प्री एमटिव स्ट्राइक आगे तो आप सब जानते ही हैं आफ्टर दैट एक्सीडेंटली विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान वॉज कैप्चर्ड बाई पाकिस्तान देन आफ्टर यूजिंग डिप्लोमेटिक प्रेसर ओवर पाकिस्तान वी गॉट रिलीज ऑफ विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान तो ये सब चीज़ें तो आप जानते ही हैं जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको आंसर में जरूर लिखेंगे और वो ये है कि जैसे मोहम्मद वॉज सपोर्टेड लॉजिस्टिकली बाई आई एस आई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आई जैसा कि आप सब जानते हैं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है और इस चार्जशीट में एन ने प्रूफ्स दिए हैं टू एस्टैब्लिश दैट दिस अटैक ऑन इन पुलवामा ऑन इंडियन आर्म फोर्सेस वे सपोर्टेड बाय आई तो लॉजिस्टिकल सपोर्ट या फंडिंग सब कुछ आईएसआई ने किया है तो आईएसआई आपको पता है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है तो इस तरीके से एक बात तो साबित हो गई कि पाकिस्तान गवर्नमेंट एजेंसीज आर आल्सो इंक्लूडेड इन और इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग टेररिस्ट स्ट्राइक्स इन इंडिया तो अब इससे दो कंक्लूजन निकल के आता है देखो सबसे पहले तो इस बात को समझो कि देर आर टू व्यूज़ इन इंडिया रिगार्डिंग रिलेशनशिप विथ पाकिस्तान इन जनरल हमारे देश की अलग अलग सरकारें रही हैं या लोगों का भी एक्सपर्ट्स का भी दो तरह का ओपिनियन है रिगार्डिंग इंडियाज़ रिलेशन विथ पाकिस्तान जो पहला ओपिनियन है वो है लिबरल ओपिनियन या लिबरल व्यू वो लिबरल व्यू ये कहता है कि पाकिस्तान इज़ आल्सो अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर भी टेररिस्ट अटैक्स होते रहते हैं और पाकिस्तान खुद ही टेररिज्म से सफ़र कर रहा है और इस कारण से इंडिया शुड सपोर्ट द सिविलियन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हु सो एवर इज द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जैसे कि अभी के टाइम में उनके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हैं तो ये जो लिबरल्स हैं हमारे देश के वो कहते हैं कि इंडिया को इस तरह के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को प्रमोट करनी चाहिए तभी जाकर के जब ये सिविलियन गवर्नमेंट स्टेबलाइज होगी देन इट कैन टेक सम कंक्रीट एक्शन टू कर्ब टेरोरिस्ट स्ट्राइक्स कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान अदरवाइज़ जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो खुद ही बहुत कमज़ोर है और अगर भारत सरकार भी उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगी तो सिविलियन गवर्नमेंट कभी भी जो पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं उनको रोक नहीं पाएगी तो भारत सरकार को इनके साथ पीस करना चाहिए जो पहला लिबरल व्यू ये कहता है कि भारत सरकार को पाकिस्तान के साथ पीस करना चाहिए ताकि पाकिस्तान सरकार थोड़ी स्टेबलाइज हो कॉन्सोलीडेट हो सो दैट इट्स शुड बी इन अ पोजिशन टू द टेरिस्ट ऑपरेटिंग इन द इन पाकिस्तान और फ्रॉम पाकिस्तान सॉयल जो दूसरा व्यू है उसको हम कहते हैं रियलिस्ट व्यू और रियलिस्ट व्यू यह कहता है कि पाकिस्तान सरकार तो ही तो टेररिस्ट ग्रुप्स को प्रमोट कर रही है फ्लरिश कर रही है सो ऑल दिस टेररिज्म दैट इज ब्रीडिंग ऑन द सॉइल ऑफ पाकिस्तान इज बिकॉज ऑफ इंसिस्टेंस और सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसी इंटेलिजेंस एजेंसी आई तो पाकिस्तान सरकार के साथ हमें किसी भी तरह का फ्रेंडली रिलेशन रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पाकिस्तान सरकार ही टेररिज्म को ब्रीड करती है अपने कंट्री के अंदर ताकि उस टेररिज्म की मदद से कश्मीर एरिया को डिस्टेबलाइज किया जाए सो दिस इज द सेकेंड थ्योरी और सेकेंड रिगार्डिंग टेरिजम इन पाकिस्तान और इस पर्टिकुलर चार सीट के बाद जिसमें एनआईए ने प्रूव किया है एनआईए ने कुछ प्रूफ डाले हैं इस चार सीट में जिसके मदद से वो प्रूव करना चाह रहे हैं बताना चाह रहे हैं कि इन दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक इन पुलवामा द पाकिस्तान गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक आई एस आई वी आर ऑल्सो इन्वॉल्व सो विद दिस आर्ग्यूमेंट विद दिस प्रूफ द रियलिस्ट सब आर्ग्यूमेंट द रियलिस्ट व्यू गेट्स मोर सपोर्ट कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वही अपने देश के अंदर टेरिज्म को ब्रीड करती हैं इन ऑर्डर टू डी स्टेबिलाइज इंडिया सो द सेकेंड व्यू गेट्स सपोर्टेड बाई द आइडिया बाई द प्रूफ कलेक्टेड बाई एन आई ए तो इस आर्टिकल में फिर कंक्लूजन भी दिया गया है कि अब जब इंडिया ने कंक्रीट एविडेंस जुटा लिए हैं अगेंस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट दैट पाकिस्तान गवर्नमेंट इट्स सेल्फ इज सपोर्टिंग टेररिस्ट ग्रुप्स ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान तो अब इन सारे कंक्रीट एविडेंस को इंडिया को अलग अलग इंटरनेशनल फॉरम्स पर सबमिट करना चाहिए जैसे कि एफ ए टी है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स प्लेटफॉर्म पर अगर इंडिया ये प्रूव कर पाया कि पाकिस्तान अभी भी टेररिज्म को ब्रीड कर रहा है फ्रॉम इट्स ओन कंट्री देन इट विल हैव फाइनेंशियल ह्यूज फाइनेंशियल रेप्रिकॉशंस फॉर पाकिस्तान देखो पाकिस्तान वैसे ही ग्रे लिस्ट में है इन एफ और अगर इंडिया ये प्रूव कर पाया कि पाकिस्तान इज ब्रीडिंग टेरिज्म इट्स ओन सॉयल देन पाकिस्तान विल बी ब्लैक लिस्टेड एंड ओवरऑल पाकिस्तान इकोनॉमी विल क्रम्बल और यही है मेन व्यू रियलिस्ट का रियलिस्ट कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ पीस नहीं होना चाहिए वॉर होना चाहिए पाकिस्तान के साथ कोई भी कॉमर्शियल इंटरडिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए कोई भी ट्रेड नहीं होना चाहिए पाकिस्तान को हमें पूरी तरह से डिवास्टेट कर देना चाहिए यह है real

थ्री कैपिटल प्लान ऑफ आंध्र प्रदेश दिस टॉपिक इज इंपोर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस थ्री गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले इस आर्टिकल का बैकग्राउंड समझते हैं तो इसी साल 2020 में इन द मंथ ऑफ जनवरी आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली हैड ब्रॉट अ लॉ जिसका नाम है डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू तो हैव हाँ थ्री सीट्स ऑफ गवर्नेंस वैसे भी आपको पता है कि गवर्नेंस के तीन इंपॉर्टेंट विंग होते हैं जुडिशियरी लेजिसलेचर्स एंड एग्जीक्यूटिव और तीनों की अपनी अपनी सीट होती है जुडिशियरी का सीट यूनियन लेवल पे आपको पता है सुप्रीम कोर्ट है लेजिस्लेचर का सीट यूनियन लेवल पर आपको पता है पार्लियामेंट है और फिर एग्जीक्यूटिव का सीट आपको पता है पी है नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक तो अभी देखो वैसे ही इन गवर्नेंस की तीन सीटें आंध्र प्रदेश में भी और बाकी सारे स्टेट्स में भी हैं लेजिस्लेचर जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव जैसे असम के अंदर आप देख लो तो एक लेजिस्लेटिव असेंबली है फिर गवर्नमेंट के ऑफिस है चीफ मिनिस्टर ऑफिस है और फिर हाई हाईकोर्ट है तो हर एक स्टेट में तीन सीट्स होते हैं गवर्नेंस के अभी इस केस में अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ब्रॉड बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि ये तीनों सीट जो गवर्नमेंट के हैं उनको तीन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में सेटअप किया जाएगा नॉर्मली होता क्या है कि ये तीनों सीट सरकारों की एक ही पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में होती है ताकि बेहतर कोऑर्डिनेशन बिल्ड किया जाए जैसे गुवाहाटी के अंदर ही लजिस्लेटिव असेंबली भी है और हाई कोर्ट भी है और गवर्नमेंट की ऑफिसज भी हैं बट इन दिस पर्टिकुलर केस आंध्र प्रदेश अकॉर्डिंग टू दिस लॉ डिसाइडेड दैट इट विल हैव थ्री डिफरेंट सीट्स फॉर इट्स गवर्नेंस इट विल हैव थ्री डिफरेंट कैपिटल्स लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी इन अमरावती जुडिशियल कैपिटल मतलब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट विल बी इन कुरूल डिस्ट्रिक्ट एंड एग्जीक्यूटिव कैपिटल विल बी इन विशाखापट्टनम मतलब से गवर्नमेंट की ऑफिसेज सी चीफ मिनिस्टर ऑफिसेज ये सब विशाखापट्टनम में होंगी और इसके पीछे क्या जस्टिफिकेशन दिया गया है कि देखो तीन अलग, अलग अलग एरिया में तीन अलग अलग कैपिटल्स होंगे तो अलग अलग रीजन्स का डेवलपमेंट होगा मतलब जुडिशियल कैपिटल कुरनूल में होने के कारण ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आसपास के जैसे कटप्पा डिस्ट्रिक्ट चित्तूर या नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट इन सब का डेवलपमेंट होगा जब लेजिस्लेटिव कैपिटल गुंटूर में होगा तो आसपास के ये डिस्ट्रिक्ट्स इनका डेवलपमेंट होगा और एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापटना में होगा तो आसपास के ये सारे जो एरियाज हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनका डेवलपमेंट होगा व्हाट दिस

मोर देन 55 फाइव पी आई एल हैज़ बिन फाइल्ड इन आंध्र प्रदेश कोर्ट अगेंस्ट मेकिंग दिस थ्री कैपिटल तो सरकार के या आंध्र प्रदेश लेजिस्टिव असेंबली के इस डिसीजन के खिलाफ कम से कम 55 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिकेशन फाइल किए गए हैं और इन सारे पी में जो आर्ग्यूमेंट दिया गया है कि क्यों तीन कैपिटल नहीं होने चाहिए तो आर्ग्यूमेंट्स कुछ इस तरह के हैं जरा देखते हैं फर्स्ट ट्रेवल टाइम विल बी अ बिग प्रॉब्लम तो मान लो किसी के कि इंसान का कुछ एक काम जुडिशरी में है फिर एक काम लेजिस्लेचर में है तो अननेसेसरी उसको फिर यहाँ से वहाँ फिर यहाँ से यहाँ जाने में कितना वक्त लगेगा सो इट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरीज गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स एग्जीक्यूटिव्स को आपको पता है लेजिलेचर्स भी जाना पड़ता है वह फिर वापस आना भी पड़ता है तो कितना सारा समय बर्बाद होगा एग्जीक्यूटिव्स का उसके अलावा इट विल रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट देखो कैसा है कि इस प्लान से पहले आंध्र प्रदेश सरकार अमरावती डिस्ट्रिक्ट को बिल्ड कर रही थी अमरावती को बिल्ड कर रही थी एज इट्स कैपिटल लेकिन और अमरावती को बिल्ड करने के कारण क्या हुआ कि अमरावती में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आंध्र प्रदेश सरकार कर चुकी है आपको पता है कि पहले इट वॉज आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना भी था और इनका कैपिटल था हैदराबाद लेकिन एक बार जब तेलंगाना वॉज सेपरेटेड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश देन हैदराबाद वॉज केप्ट ज्वाइंट कैपिटल फॉर टेन ईयर्स और अब उनको एक अपना सेपरेट कैपिटल बनाना था आंध्र प्रदेश को तो आंध्र प्रदेश सरकार ने फैसला लिया कि वो अमरावती को अपना कैपिटल बिल्ड करेंगे तो अमरावती में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आंध्र प्रदेश सरकार कर चुकी है तो अब जब इतना इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुकी है इतने सारे इन्वेस्टर्स को बाहर से हम बुला चुके हैं ऐसा आर्ग्यूमेंट दिया गया है अब कैपिटल्स को अलग अलग जगहों पे ले के जाने से अमरावती के अंदर जो इतना इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है वो वेस्ट हो जाएगा उसके अलावा इतने सारे इन्वेस्टर्स को जो इनवाइट किया गया था कि कम एंड इन्वेस्ट इन अमरावती इट इज़ गोइंग टू बी न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश उन सारे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस डिस्करेज होगा वो दे विल फील लाइक चीटेड कई सारे जो पी फाइल किए करने वाले लोग हैं वो वही इन्वेस्टर्स हैं जिनको बुलाया गया था अमरावती में आकर के इन्वेस्ट करने के लिए बिकॉज अमरावती वॉज गोइंग टू बी न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश नाउ द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश इज सिंग दैट देर विल बी टू मोर कैपिटल्स दैट इज वाई दीज इन्वेस्टर्स एफ फाइल्ड पी इन आंध्र प्रदेश कोर्ट उसके अलावा आप देखो तो आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती को बिल्ड करने के लिए जो लैंड अक्वायर किया था फॉर फार्मर्स उन लैंड्स के लिए भी अभी तक आंध्र प्रदेश सरकार ने कंपनसेशन रिलीज नहीं किया है यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार वैसे ही अभी थोड़े फाइनेंशियल स्ट्रेस में है जो फार्मर से लैंड लिया था उन्होंने अमरावती में अभी तो उसका पैसा चुका ही नहीं पाया नाउ दे आर प्लानिंग टू हैव टू मोर कैपिटल सो इट विल बी फाइनेंशियली अनसस्टेनेबल दैट इज द फोर्थ आर्ग्यूमेंट और इन सारे ग्राउंड्स के बेसिस पे पीआईएल फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई एम सॉरी आंध्र प्रदेश कोर्ट के अंदर पीआईएल फाइल किया गया और बोला गया कि इस तीन कैपिटल वाले प्लान को रिजेक्ट किया जाए बैन किया जाए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अभी के लिए इन तीन कैपिटल्स वाले प्लान पे स्टे लगा दिया है रोक लगा दिया है ना आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट इज फर्दर स्टेइंग इट्स प्रोज एंड कॉन्स के क्या क्या फायदे होंगे क्या क्या नुकसान होंगे अभी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट स्टडी कर रही है तो अब इस टाइम में जब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बैन कर दिया स्टे लगा दिया है थ्री कैपिटल प्रोजेक्ट पर पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं किया याद रखना इस बात को अभी के लिए बस स्टे लगाया और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट अभी स्टडी कर रही है तो वैसे टाइम में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ मूव्ड टू सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को डायरेक्टिव्स दिया जाए कि वो जल्दी से जल्दी से स्टे को हटा ले तो फाइनल न्यूज आज की ये है जिसके बेसिस ये आर्टिकल आया है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट विल नॉट इंटरफेयर इन टू द मैटर्स ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट इज स्टडिंग द इशू लेट इट स्टडी इट सुप्रीम कोर्ट विल नॉट अननेसेसरिली इंटरफेयर इन दिस केस तो मतलब अभी श्टे अभी स्टेटस ये है कि ये जो थ्री कैपिटल प्लान है यह पूरी तरह से रिजेक्ट हुआ नहीं है इस पर स्टे लगा दिया गया है और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट इसको स्टडी कर रही है कि इसके क्या फायदे होंगे क्या नुकसान होंगे और एंड ऑन दैट बेसिस द आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट विल टेक द फाइनल डिसीजन कि क्या एक कैपिटल होना चाहिए या तीन कैपिटल बन सकते हैं द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट इट इज अबाउट कृषि उड़ान स्कीम दैट वॉज लॉन्च्ड सो दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर फोर इंडियन एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले समझते हैं कृषि उड़ान स्कीम है क्या देखो कृषि उड़ान स्कीम वॉज लॉन्च अनाउंसड दिस ईयर इन द बजट स्पीच ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी तो जब फेबर uh, में बजट लाया गया था तो बजट स्पीच के दौरान हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कहा था कि इस साल भारत सरकार एक स्पेशल स्कीम लॉन्च करेगी जिसका नाम है कृषि उड़ान स्कीम और आज का न्यूज़ आर्टिकल ये है कि ये कृषि उड़ान स्कीम लॉन्च कर दिया गया है इस कारण से ये न्यूज़ आर्टिकल आया है बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि भारत सरकार लेकर के आएगी यानी कि बजट में इट वॉज जस्ट अनाउंस्ड अकॉर्डिंग टू टूडेज न्यूज़ दिस हैज़ बिन लॉन्च तो जरा समझते हैं कि यह कृषि उड़ान स्कीम है क्या दिस स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन इन आवर कंट्री और इसका पर्पज होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ फार्मर्स तो देखो अब फ्लाइट्स की मदद से ये इमेज देखो इससे बेहतर समझ आएगा फ़्लाइट्स की मदद से फ़्लाइट्स में बहुत सारे कार्गो फ्लाइट्स होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह सामान लेकर के जाते हैं तो उन कार्गो फ्लाइट्स में बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को भी ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एक जगह से दूसरे जगह तक तो सरल शब्दों में कृषि उड़ान से आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं फार्मर्स के दे विल बी ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ फ्लाइट्स तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि फार्मर्स का फूड प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी कम समय में पहुंच पाएगा एंड दिस कृषि उड़ान विल बी लॉन्च ऑन बोथ इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल रूट्स तो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी फार्मर्स का प्रोडक्ट बेचा जाएगा विथ हेल्प ऑफ दिस कृषि उड़ान स्कीम इससे फायदा ऑफ कोर्स फर्स्ट बेनिफिट विल बी वैल्यू रियलाइजेशन मोर इनकम फॉर द फार्मर्स अभी प्रॉब्लम क्या होती है कि फार्मर जो कुछ भी उगाता है उसका 25 से 30 परसेंट फूड क्रॉप तो बर्बाद हो जाता है क्योंकि मार्केट से कनेक्टिविटी इतनी अच्छी होती नहीं है जब तक मार्केट में सामान लेकर के पहुंचता है स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी नहीं होती है कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होती है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं होती है तो जब तक वो मार्केट तक सामान लेकर के पहुँचता है सामान खराब हो जाता है बिकॉज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर पेरिसेबल तो इस कारण से फार्मर्स का बहुत सारा अनाज खराब हो जाता है और उसको लॉस उठाना पड़ता है बट विद दिस कृषि उड़ान स्कीम नाउ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स विल बी ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम दैट विल रिड्यूस द पेरिसिबिलिटी ऑफ़ द फूड प्रोडक्ट्स और इसके साथ ही फार्मर्स का जब क्रॉप वेस्टेज कम होगा तो फार्मर्स की अर्निंग ज़्यादा होगी ऑफ कोर्स द सेकेंड बेनिफिट इज दैट इट विल रिड्यूस द पेरिसिबिलिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देखो पेरिसिबिलिटी फूड पेरिसिबिलिटी मतलब फूड्स का खराब हो जाना सर जाना ये हमारे देश में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम देखो अकॉर्डिंग टू अ डाटा रिलीज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बट अबाउट 25 टू 30 परसेंट ऑफ द फूड क्रॉप्स आर वेस्टेड कारण बहुत सारे हैं क्यों हमारे देश में फूड क्रॉप्स खराब हो जाते हैं हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे गर्मी होती है और मॉइस्चर ज़्यादा रहता है और एक बात तो आपको पता है कि जब जिस भी जगह पे गर्मी ज़्यादा हो या मॉइस्चर ज़्यादा हो वहाँ पर सामान खाने पीने वाले सामान जल्दी ख़राब हो जाते हैं तभी तो हम अपना जो भी फूड आइटम्स है उसको फ्रिज में रखते हैं ताकि फ्रिज के अंदर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों को कम किया जाता है ताकि सामान जल्दी ख़राब ना हो खाने पीने वाली चीज़ें उनकी परिसिबिलिटी को कम की जाए उनकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाई जाए सो दैट इज़ वन प्रॉब्लम दैट इन जनरल द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉट एंड ह्यूमिड दट इज वाई मोर एंड मोर फूड आइटम्स गेट पेरिस्ट वी हैव पुअर स्टोरेज फैसिलिटी पुअर रेफ्रिजरेशन एंड स्टोरेज फैसिलिटी एंड द मार्केट कनेक्टिविटी इज पुअर और इस कारण से हमारे यहाँ पे फूड पेरिसिबिलिटी बहुत होती है एक तरफ तो हमारे यहाँ पे पुअर न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है हंगर का प्रॉब्लम है कई सारे लोग भूखे रह जाते हैं भूख से मर जाते हैं और दूसरी तरफ हमारा तीस से चालीस परसेंट फूड क्रॉप वेस्ट हो जाता है तो इन सब प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए भारत सरकार अब लेकर के आइए इस साल बजट में अनाउंस किया था स्कीम कृषि उड़ान स्कीम जिसके जिसको आज लॉन्च कर दिया गया है दिस कृषि उड़ान स्कीम विल बी रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एविएसन और एक इसी तरह से मिलता जुलता दूसरा स्कीम भी अनाउंस किया है भारत सरकार ने इन दिस ईयर्स बजट उसका नाम है कृषि रेल स्कीम तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि कृषि उड़ान में फ्लाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इन ऑर्डर टू तो ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जबकि कृषि रेल स्कीम में ट्रेन्स का इस्तेमाल किया जाएगा जो हमारे एक्सप्रेस ट्रेन हैं उसमें एक्स्ट्रा बॉगी लगा दिया जाएगा रेफ्रिजरेटेड कोचेज लगा दिए जाएंगे एक्सप्रेस ट्रेन में या फ्रेट जो ट्रेन होते हैं उसमें एक्स्ट्रा रेफ्रिजरेटेड बॉगी लगा दी जाएंगी और ट्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड क्रॉप्स अंडर कृषि रेल स्कीम एंड कृषि रेल स्कीम विल बी रन बाई इंडियन रेलवेज एंड इट विल बी डेवलप्ड अंडर पी 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 मोड द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम कल्चर सेगमेंट इट इज अबाउट पुलिकली डांस दैट विच टू बी कंडक्टेड ऑनलाइन दिस ईयर दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर टू इंडियन कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले देखो इस आर्टिकल को समझने के लिए हमें एक फेस्टिवल जो केरला में मनाया जाता है ओणम फेस्टिवल उसके बारे में समझना होगा ओणम इज अ हारवेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला जैसे बिहू होता है ऐसा हमें वैसे ही आ, केरला का हारवेस्ट फेस्टिवल है ओणम इट इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग ऑगस्ट सेप्टेम्बर मंथ्स इन केरला बाय मलयालम पीपल एंड अकॉर्डिंग टू लीजेंड्स अकॉर्डिंग टू मिथ्स द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट किंग महाबली हुज स्पिरिट इज सेड टू विजिट केरला इन द टाइम ऑफ ओनम तो उनका ऐसा मानना है कि महाबली जो उनके मिथोलॉजिकल फिगर हैं वो इस टाइम में ओणम के टाइम में उनका स्पिरिट उनकी आत्मा पूरे केरला में आती है घूमती है और लोगों को ब्लेसिंग देती है तो इस कारण से ये फेस्टिवल मनाया जाता है और इस ओनम फेस्टिवल के दौरान अलग अलग एक्टिविटीज की जाती हैं इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट दिस ओनम फेस्टिवल फॉर एग्जांपल बोट रेसिंग की जाती है जिसको वो लोग वल्लम कली कहते हैं देर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डांस परफॉर्म बाय पीपल नोन एज पुली कली इट इज आल्सो नोन एज टाइगर डांस उसके अलावा फ्लावर की रंगोली बनाई जाती है इस तरीके जिसको वो लोग कहते हैं पुकलम उसके अलावा जो वर्सिप होता है उसको ड्यूरिंग ओनम्स उसको वो लोग कहते हैं ओना थपन तो वलम कली को जरा ब्रीफली देख लेते हैं वलम कली एज आई टोल्ड यू इट्स अ बोट रेस ट्रेडिशनल बोट रेस इन केरला इट इज़ कंडक्टेड मेनली ड्यूरिंग द ओनम फेस्टिवल और एक स्पेशल तरक्की वैसे तो अलग अलग जगहों पे ओनम के दौरान ओनम के टाइम में बोट रेस होती है लेकिन एक बड़ा ही पॉपुलर बोट रेस है केरला का ड्यूरिंग ओनम टाइम जिसका नाम रखा जाता है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस दिस नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज़ अ पॉपुलर वल्लम कली और बोट रेस हेल्ड इन पूनामरा लेक इन नियर अल्पौजा तो इसको आपको याद रखना है हो सकता है आपसे सीधा सीधा पूछ ले कि नेहरू बोट रेस कौन से लेक में कराया जाता है इट इज़ पूनामाड़ा लेक ऑफ केरला तो ने वैसे तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं कि बस एक ही बोट रेस होती है बोट रेस अलग अलग जगहों पे होती है केरला के अंदर ड्यूरिंग ओनम लेकिन ये जो एक पर्टिकुलर बोट रेस है जो इस पूनामाड़ा लेक में होता है ये, ये बहुत पॉपुलर है और इसको हम लोग नेहरू ट्रॉफी बोट रेस नाम से जानते हैं और स्पेशल तरह के बोट्स बनाए जाते हैं जिनको हम लोग कहते हैं स्नैक बोट्स ये देखो ये आपको स्नेक जैसा दिख रहा है दिस दीज आर स्नैक बोट्स ड्यूरिंग दे आर मेड फॉर दिस वल्लम कली दीज स्नैक बोट्स का इनका अपना एक नाम भी है इनका नाम है चुंदन वल्लम तो दीज आर द स्नैक बोट्स और चुंदन एंड ये स्नेक बोट्स दे वे आर यूज ड्यूरिंग थर्टीन सेंचुरी फॉर वॉर बाई द किंगडम्स ऑफ केरला उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूसरी एक्टिविटी होती है टाइगर डांस परफॉर्म करते हैं ये लोग ऑन द फोर्थ डे ऑफ ओनम फेस्टिवल सो दिस टाइगर डांस ऑल्सो नॉन एज पुल्ली कली इज फोक डांस ऑफ केरला परफॉर्म्ड ऑन फोर्थ डे ऑफ ओनम फेस्टिवल आज ऐसे इट इज ऑल्सो नॉन एज टाइगर डांस क्योंकि जो आर्टिस्ट होते हैं वो टाइगर का मास्क पहनते हैं अपनी बॉडी को इस तरह से पेंट करते हैं दैट दे लुक लाइक अ टाइगर दट इज़ वाइट इज नोन एज टाइगर डांस सीधा सीधा आपसे से पूछ लिया जाएगा पुली कली इज अ डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और ऑप्शन दिएगा दे केरला महाराष्ट्र गुजरात आंसर विल भी केरला और इस पुली कली डांस के दौरान जो आ, ये इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं टू प्रोड्यूस म्यूजिक उनका नाम है थकिल उडुकू ऑन चेंदना तो हो सकते थे उनको भी याद कर लेना हो सकता कभी कभार वो पूछ लेते हैं ट्रेडिशनल परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट परक्यूसन इंस्ट्रूमेंट जो झाल बजाते हैं ना दो मेटल्स को एक साथ टकराते हैं तो जो आवाज़ निकलती है वो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका लोकल नाम है थकिल इडुकू एंड चेंदना तो इनको याद रखना अब करंट न्यूज़ ये है कि इस साल पुली कली डांस देखो ओनम फेस्टिवल मनाया जा रहा है लेकिन इस साल पुलिस कली डांस ओपनली नहीं होगा क्योंकि जब भी पुली कली डांस होता है तो लोग गैदर हो जाते हैं हर साल तो इस साल पुली कली डांस ओपनली नहीं होगा लोग इकट्ठा होकर के उसको नहीं देख सकते पुली कली डांस बस एक घंटे के लिए होगा और उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रिले किया जाएगा लाइव और टीवी पे भी दिखाया जाएगा केरला के अंदर लेकिन लोगों की गैदरिंग इस साल अलाउ नहीं है अब ये न्यूज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने ये आर्टिकल इसलिए कवर किया ताकि आपको ओनम के बारे में वल्लम कली के बारे में और पुली कली के बारे में बता सकूँ लेटेस्ट सी सम फिल्म रिलेटेड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दैट केम इन द न्यूज़ पेपर डब्ल्यू एच ओ हैज डिक्लेयर्ड अफ्रीका अ पोलियो फ्री कॉन्टिनेंट अब बस दुनिया में दो ही ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे पोलियो एक्टिव फॉर्म में रह गया है वो है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान the polio virus has now been uh, wiped out of africa uh, just like smallpox was wiped out of africa second news is export preparedness index of 2020 has been published niti Aayog in partnership with institute of competitiveness released export preparedness index of 2020 these index are prepared on the basis of four pillars business ecosystem export ecosystem and export performance सो दीज फोर पिलर्स एक बार फिर से जरा देख लो फोर पिलर्स ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेरनेस इंडेक्स दीज आर पॉलिसी बिजनेस इको सिस्टम एक्सपोर्ट इको सिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस और इस साल का अगर रिजल्ट देखें हम एक्सपोर्ट प्रिपेरनेस इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी का देन गुजरात इज एट द टॉप फॉलोड बाई महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु इज एट द थर्ड नंबर एज फार एज एक्सपोर्ट प्रिपेन्डेस इंडेक्स इज कंसर्न दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टूडे थैंक्स फॉर वॉचिंग